and because of your bad service, I am not going to buy the shoe anymore. Customer service का बंदा क्या करे? हमारा लोगों ने लाना था तो वापस कर दिया अच्छा दफा में, है ना? एक ही ऑप्शन है. वो क्या कहता है कि मैडम, I am so sorry, I am issuing a refund on your shoe right now. You can ship it to me when you want. In the next 1 week. वैसे तो credit card तो है, जब चाहे जा सकते हैं. And by the way, I'm sending you one size bigger and one size smaller just in case. Why don't you go ahead and try it out? Whatever fits you keep, and then the rest of them you ship shipping back to me. We will pay for the shipping also. अब मुझे बताओ कि कौन ऐसी कंपनी से चीज नहीं चलेगा? Right. मैं हम बर्गर खाने गए, मैं और मिच कार्सन जा रहे थे खाना खाने के. का बर्गर की दुकान है, रुक जाते रुक जाते. मैं गया काउंटर, बहुत रश था, इतना रश था कि मैं बता नहीं सकता, बहुत रश था. खैर मैं गया, मैंने मिच को हुजूर सलाह दी, मैंने कहा लेट्स मेक श्योर देयर इज नो बेकन इन माय बर्गर, ठीक है? उसने कहा, मिच ने कहा यहाँ बेकन सर्व ही नहीं होता. मैंने कहा फिर भी बोल देना कि बेकन ना डालते. बेकन मालूम है सबको? नो बस, ठीक है, पिग पोर्क. सो खैर बर्गर आया मेरा, अब उसमें मुझे हल्का सा दिक्कत नजर आया. अब मैं सड़ गया, मैंने गया, मैंने उसको देख, कहता बेकन नहीं है, फिर भी बेकन आ रहा है. मैं गया लेके मैनेजर के पास, गया मैंने कहा हाय, इतना रश है कि मैं बहुत रश हूँ. कहता है कि मैंने कहा देयर इज बेकन इन इट, आई एम मुस्लिम, आई ओनली बेकन. ओ आई एम वेरी सॉरी, लेट मी चेंज इट फॉर यू राइट नाउ. गया उसने, मैनेजर ने अपना मेरा बर्गर लिया, दूसरा बर्गर अपने हाथ से लेकर आया मेरे प्लेट में. हियर यू गो सर, एंड हियर इज अ कूपन फॉर यू कम व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम, द नेक्स्ट बर्गर इज फ्री. वो बर्गर तो मुझे फ्री में मिला, लेकिन नेक्स्ट बर्गर इज आल्सो फ्री. अब मुझे बताओ मैं किसी और बर्गर की दुकान में जाऊंगा? कितने रुपए का बर्गर था? $5 का बर्गर था. वो $5 में उसने मुझे खरीद लिया, और खरीद तो लिया, प्लस क्या कर रहा हूँ मैं समझ में, उसके लिए मजीद मार्केट कर रहा हूँ. तो योर बेस्ट सेल्समैन कौन है? योर सेटिस्फाइड कस्टमर. अगर आपका कस्टमर आपसे चीज़ नहीं खरीदने जाता, दैट्स फाइन, लेकिन वो आपको फ़ोन करता है, इसका मतलब है कि आपका एटीट्यूड अच्छा है. मैं छोटा था तो कॉर्पोरेट मार्केट में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाता था, कॉर्पोरेट मार्केट जाता था. कॉर्पोरेट मार्केट में मैं छोटा सा था, 15 साल का हूँ बच्चा. अब मुझे कोई घास ही नहीं जाता था, गाड़ी नमोज सब आ गया, पता नहीं बच्चा आ गया, पता नहीं तंग करने के लिए टाइम जाया करेगा. ये बच्चा कितने का माल खरीदेगा? 100 रुपये का माल खरीदेगा. वो कहेगा बोल रहे बोला लियाकत साहब लेंगे 2000 रुपये का माल, उनसे टूटेंगे. एक दुकान थी, कभी उन्होंने मेरे साथ रूडली बात नहीं करी, और मैं उनसे उनके पास जाता था, मैडम ये चीज़ चाहिए, कहाँ जाऊँ बेटा? वहाँ जाओ, वहाँ गली में जाओ, वहाँ से ले जाना, वो तुम्हें ये दे देंगे. ठीक, मैं वहाँ जाता था काम, अगला आइटम फिर उनकी दुकान पर जाता था. मैं पहले जाके तीसरी दफ़ा में जब हुआ तो मैंने कहा आप ऐसा करें, ये आइटम आपके पास होते हैं, मैं पहले आपसे लेना चाहूँगा, चाहे मुझे महंगा दे दें. और उसकी दुकान जो थी ना, वो था ही महंगा, यानी वो दूसरों से महंगा बेचता था, लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा था कि मैं कहीं और नहीं जाता था, सीधा उस दुकान पर जाता था और उससे बात करता था कि भाई तू ही माल दे. खरा आदमी था, साफ बात करता था. फिर उसका छोटा भाई मेरे पास काम करने आ गया थोड़े साल के बाद. तो पॉइंट इज कि हम जब नाइस होते हैं किसी के साथ, हम्बल होते हैं, तो एक चीज़ आप भूल जाते हैं जो चीज़ स्कूलों में नहीं पढ़ा जाए, और वो क्या है कि हम जब हम्बल होते हैं, नाइस होते हैं, तो एक और ज़ात है जो हमें बरकत फरमाती है, हमारे रिस्क में बरकत देती है. तो बरकत का तो किसी चैप्टर आज तक मैंने तो नहीं स्कूल की किसी MBA में DDA में कोई चैप्टर पढ़ा है, मैं तो पढ़ा नहीं. DDA भाई आपने क्या पढ़ाई की? इंजीनियरिंग की. उसमें कहीं बरकत का चैप्टर आया क्या? बरकत ये होती है कि जब आप व्हेन यू डू गुड, गुड थिंग्स हैपन टू यू ऑटोमेटिक मैजिक. वो बरकत जो है वो कोई नहीं बताता, लेकिन ये वो बरकत उस सूरत में होती है कि जब आप किसी के साथ अच्छा काम करते हैं, एटीट्यूड अच्छा रखते हैं, सलाह रहमी करते हैं, तो बरकत खुद बहुत आपके रिस्क में बरकत हो जाती है और वो एक्सपैंड हो जाता है. बरकत यही होती है कि थोड़े से आप इतना काम कर रहे हो. सो दिस बरकत यू विल लूज
जिसके लिए भी आपने बनाया हो प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करें। एक हमने यहाँ पे आज निकाला गजर कि वो सॉफ्टवेयर ढूंढना है, बहुत सारे हैं, इंटरकॉम नहीं शायद ऑप्शन कि वो डेटा बेस आप नॉलेज बेस पूरा पूरी से बना सकते हैं एंड कस्टमर के रेट के ये नॉलेज बेस सही है गलत है या स्लो कर सकता है। हमारा नॉलेज बेस बहुत पुराना है और अपडेट नहीं हुआ आज तक, आठ साल छः साल में अपडेट नहीं हुआ। फाइंड मी अ सॉफ्टवेयर आई सेट विद यू टुगेदर एंड अप्रूव की करना या नहीं करना, ऐसा तो पहले करा है तो बच्चे करा है। एंड देन जो एटीट्यूड का इशू टेक्निकल लैंग्वेज के लिए हमारी बात हो चुकी है, क्योंकि सब ने सेट का स्कोर सबका टोफल का स्कोर आया होना चाहिए नहीं तो वी डोंट वांट। नंबर वन। नंबर टू टेक्निकल के लिए आपकी ट्रेनिंग का कोर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया नहीं किया, एस्ट्रस लिनक्स विंडोज एंड रिसर्च का आपको बेसिक्स आना चाहिए, समझ आ जाएगा उसका कोर्स है, बेसिक्स आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सर मैं एक लगा है कुछ हमारे एक्सपीरियंस है जैसे फ्री मेक्स हैं स्ट्रेस वाला तो यूज़ हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट स्विचेस होते हैं कस्टमर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं बस, तो उनकी क्वालिटी से आई टी सी कर रही है थ्री सी एक्स है इनकी कंफिग्रेशन बनाते हुए हम लोग कुछ काम करें कोई प्रकार से हम उस पर हैंड ऑन हो जाए, अक्सर कस्टमर को ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल ही गाइड। शुरू में मैंने आपको बात बोली कि हमें अब तक डेटा को इस्तेमाल करना है, हमारे पास 25-30,000 लोगों का डेटा है उसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप मेरे पास ये पता अगर ये पता होगा 3CX के यूज़र कितने हैं, 5,000 यूज़र हैं तो मैं ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ 3CX के बारे में बात करूँ, 3CX का मालिक मेरा ज़्यादा दोस्त है, वो कच्चे हाथ जोड़ चुका है हमारे साथ काम करने के लिए। तो एक्सेलेंट आइडिया बट अगेन हमें डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट लें कि एक्चुअली हमारे पास क्या चल रहा है। जो ज़्यादा स्विचेस आ रहे हैं वो उन पर हमारी ट्रेनिंग हो, हमने जिस पर काम किया हुआ था कि कस्टमर आते जैसे आपने धीरे बोला है कस्टमर के एंटर नाम हमने नहीं देखना, कस्टमर के एंटर कस्टमर के स्विच कैसे हुए तो हमें उसको हेल्प नहीं करनी, हेल्प तो करनी है, मोहब्बत तो करनी है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सी कुछ किस्से ऐसे होते हैं बोलना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली हमारी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है हम गाइड नहीं कर सकेंगे, तो वो गाइड तो हमें मिलता वो आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा कि यू कैन नॉट से कि जी मेरी आप समोसे तो मैं बेचता हूँ लेकिन आप बराबर वाले की दुकान से कोक ला के आपको दे देता हूँ नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ज़्यादा फैलेंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यू हैव टू से नो, लर्न टू से वेयर टू से नो, मैं आपको खुद कह रहा हूँ यस कह सब लेकिन लर्न टू से वेयर टू से नो। मैं आपको इतना तल्ख अल्फाज बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज के एग्जाम में आप फेल होते तो क्या करें, छोड़ दें क्यों, मुझे कोई अच्छा लगेगा आप मुझे कुछ आएगा, लेकिन अगर आपके एटीट्यूड की वजह से कंपनी को इशू आ रहा है आपकी आपकी वजह से तो क्या करें कंपनी, सो यू शुड फाइंड द राइट जॉब फॉर योरसेल्फ और एवरीवन अदरवाइज एवरी इन दिस एंटायर रूम सब सफर करेंगे एक आदमी की वजह से, सो वी नीड टू फिक्स अवरसेल्फ नॉट आउटसाइड। और यस अगर आप समझते हैं कि ये इनके भी इशूज हैं तो अगेन मेरे सामने नंबर्स लाएं कि जी मेरे पास इतनी क्वेरीज हैं आज 3CX की आई है, हफ्ते में 4 3CX की क्वेरीज आती है लेकिन हमें 3CX के बारे में कुछ नहीं पता, वी शुड नो यस वी शुड नो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट ठीक है। एंड एक सजेशन मैंने आपके लिए आज करवाई थी, कल करवाई थी आज के बाद टाइम को मेरी सजेशन एक चाहिए आज से हम उसको लेंगे उसको बता देते हैं उसको ठीक हो। एनी अदर थिंग इससे समझ में आया कि अपनी प्रॉब्लम्स को डायसेक्ट करें, प्रॉब्लम अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बता रहा मुझे कमाल में, तो अब प्रॉब्लम जो कंप्लेन आ रही है कस्टमर की कंप्लेन आ रही है तो हम वीकली कंप्लेन निकालें और उसके बाद 5 कम जो सबसे ज़्यादा आ रही है उसको यहाँ लिखें और यहाँ के साथ बैठ जाएँ और बैठ के सोल्यूशन निकाल दें सो दैट वी कैन एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम परमानेंटली नॉट बैंडेड। और एटीट्यूड की क्लासों के लिए जो वो मिल जाए हमारा सिंगापुर वाला था ना जो अप योर सर्विस उसकी एक आध क्लास ऑनलाइन करा थे, जितनी भी मैंने बात की है वो रॉन कॉफ्रेंस की जैसे सर्विस शुड बी फिनॉमिनल एंड एवरीबडी इन दिस कंपनी रिप्रेजेंट्स इट। आपको मालूम है सुजाना का वीज़ा क्यों कैंसिल हुआ, इसलिए कि हमने जो इंस्पेक्टर आया था उसको गेट के बाहर 5 मिनट खाना मिल गया, अब इंस्पेक्टर को तो आमिर बीज लगता है गेट के बाहर तो आमिर होता है उसकी बीवा होती है ना, मैं था ना आप थे
लेकिन आमिर इस कमरे में सब नहीं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तो चाहे कमरे का भंगी भी चाहिए, सब चाहिए, सब। जब तक एक अगर आपके भंगी को नहीं मालूम कि आप क्या करते हैं, बेसिक तो मालूम होनी चाहिए ना, दो मिनट की नहीं पता यहाँ पता नहीं क्या होता है, वो इंस्पेक्टर को क्या बोलेगा, जब भी कोई एटीट्यूड, एवरीथिंग इज एटीट्यूड। मैंने उसको जब अमेरिका से फोन किया, उससे बात करी, उसने मुझे क्या बोला, मुझे कहा मुझे जानवरों से ज्यादा बुरा ट्रीट किया गया। कोई भी ऐसा मेरे नहीं चाह के कोई भी होगा ज्यादा करेगा, लेकिन उसका उसको क्या लगा कि जी हमें ट्रीट किया। इसी तरह हमारे कस्टमर के साथ हम करते हैं, कस्टमर की फोन आती है तो हम उसके साथ नहीं करते किसी जानवर से ज्यादा करते हैं, सर होल्ड करें घंटे से और पीछे से कह के वादे आ रही, मैं होता हूँ फोन में सुन रहा हूँ कह कह के वादे आ रही थी चलाने के बाद पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं पार्टी हो रही है, जब फोन करो ये हो रहा था तो कस्टमर क्या समझेगा यार, यहाँ पर पता नहीं मैंने कहाँ फोन कर लिया, किसी बार में फोन कर लिया, कहाँ फोन कर लिया, सर बहुत कहो के आवाज़ें आती रहती है और बात करो तो सर एवरी थिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम, फोन साइड में रखा, हाँ भाई क्या लाया खाए वो सर, हाँ सर एवरी थिंग इज फाइन। बेचारा कस्टमर के साथ माँ बहन कर रहे उसकी, यार ऐसा नहीं करो। और एनी बडी मीन यू स्पेशली इफ यू हैव एनी आइडियाज हाउ टू फिक्स इट बेटर प्लीज लेट मी। I have requested SN to arrange a new incentive on the earnings of the IDX. कितने भी नॉक के सेल्स के लोग हैं आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा बोनसेस मिलेंगे ऑन सेल्स इंक्रीमेंट जो भी सेल्स होंगे, एंड प्लस अनदर वन विल अनाउंस दिस वीक और नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ हमें चार लोग और चाहिए सेल्स में IDX में, एंड देन वी विल मेक 40-50 कस्टमर्स के ऊपर एक एक आदमी दे देंगे और उनकी जो सेल होगी उसमें भी कमीशन आपको मिलेगा, तो वो एक एक कमीशन का स्ट्रक्चर ये